हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो 27 अप्रैल 2022 का है और ये इशू किया गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बीरभूम द्वारा। बीरभूम वेस्ट बंगाल में है और ये कलकत्ता से 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स का ट्रैवल टाइम है इसमें। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स for filling up the vacancies mentioned below in different categories of posts in the judgeship of Birbhum, West Bengal. Aspirants are requested to go through the notification thoroughly and be satisfied about the eligibility criteria and other requirements before making the online application. A vacancies dekhiye, sabse pehle hai name of the post English stenographer, sirf English ke hai, grade 3, और ये ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, ये ध्यान करिएगा, ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। इसमें जो लेवल दे रखा है लेवल 10 ऑफ वेस्ट बंगाल सर्विस रूल्स, तो ये सीनियर लेवल की पोजीशन है, हालांकि ग्रेड 3 लिखा है लेकिन लेवल 10 है। और स्केल ऑफ पे भी आप देखिए 32,100 का इनिशियल ये पे स्केल है, अलाउंसेज पर अलग होंगे। और मेरे हिसाब से अगर मैं इसको कहूं तो ग्रुप बी में जो भी पोस्ट होगी उसकी पे इट्स मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 60,000। कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज देखिए, टोटल 5 वैकेंसीज हैं, UR1, UR EC1, UR PWD1 एंड ST EC1, OBC AEC1। तो ये वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट जो पोस्ट है वो बंगाली ट्रांसलेटर की है, वो हमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्टेड हों इसमें वो इसकी डिटेल्स जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट रेलिवेंट पोस्ट जो है दैट इज पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी में है ये, लेवल 6 और स्केल ऑफ पे 22,700। वैकेंसीज आर 28 एज ऑन 31st December। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज इन्होंने सारी जो हैं बाइफरकेट करके दिखा रखी हैं, जो भी UR या जो भी रिजर्व्ड हैं सभी उन्होंने डिटेल्स में दी हैं। और नेम ऑफ पोस्ट नेक्स्ट जो है प्रोसेस सर्वर, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट PN नाइट गार्ड है, जिनको एप्लीकेबल हो वो इसकी डिटेल्स दे सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं 49 है। अब हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एब्रीविएशंस दे रखी हैं और नॉर्मल एब्रीविएशन है, और जो मुझे नई लगी वो है EC एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, एज देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड बंगाली ट्रांसलेटर नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 39 ईयर्स एज ऑन 1st day of January 2022। 39 ईयर्स इज सफिशेंट। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क देखिए, प्रोसेस सर्वर एंड PN इन सब के लिए कॉमन एज जो है दैट इज नॉट लेस देन 18 एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 1st January 2022। इसके बाद रिलैक्सेशन अलग से है, देर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट ऑफ 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन वैकेंसीज एंड एज कंसेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स आर एप्लीकेबल ओनली टू SC ST OBC कैंडिडेट्स ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। SC ST OBC कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स अदर देन वेस्ट बंगाल शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप बी, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट ऑल्सो हैव ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्टहैंड एंड ए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग फ्रॉम ए लेजिबल मैन्युस्क्रिप्ट इन इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स and must also possess at least a certificate in computer training from a recognized institution. The candidate should also have satisfactory knowledge and skill in computer operation and application. Now, ab jo basic requirement hai, that is madhyamik
और इक्विवेलेंट 10+2 एंड अबव एलिजिबल होंगे सभी इसमें। माध्यमिक मेरे हिसाब से तो 10+2 के जो ओनली 10th जो होंगे 10th पास वो भी एलिजिबल होने चाहिए। उसके बाद 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो टाइपिंग की है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टाइपिंग फ्रॉम ए लेजिबल मैन्युस्क्रिप्ट। वो आपको हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट देंगे जिसको आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर टाइप करना होगा और जिसकी भी स्पीड 40 के आसपास है वो लेजिबल राइटिंग से 30 मिनट कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग का है, सॉफ्टवेयर जो भी हैं माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो भी हैं उनको अगर वो है आपके पास तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट ऑल्सो पोजेस एटलीस्ट अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव बेसिक नॉलेज एंड स्किल इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो दोनों में क्वालिफिकेशन सेम है एक्सेप्ट स्टेनो ऑफर में 80 वर्ड्स पर मिनट की वो दी गई है और लेजिबल मैन्युस्क्रिप्ट से टाइपिंग दी गई है। स्टूडेंट पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर और पीएन का दिया है, जिसको रेलिवेंट हो प्लीज वो पढ़ सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन में लिखा है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एंड एससी कैटेगरीज, ये एक्चुअली क्वालिफिकेशन नहीं है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं उसके बारे में लिखा है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू दीज सर्टिफिकेट्स वो प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ओबीसी के लिए भी और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के हैं या और जो कैटेगरीज के लिए कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से वैलिड है वो सब इन्होंने सर्कुलर अपने दे रखा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, कैंडिडेट्स मस्ट फर्निश डॉक्यूमेंट्स एज लेड डाउन नोटिफिकेशन नंबर दिस। उसके बाद एक्स सर्विसमैन और मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी हैं। अब आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, पहले होगा पेपर 1 जिसमें डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होगी, 400 मार्क्स का है ये, इसकी ड्यूरेशन होगी 1 hour and 10 minutes, dictation lasting for 10 minutes followed by transcription of notes in candidate's handwriting for 1 hour. 10 minute ki jo dictation hogi 80 words per minute ki, usme 800 words likhaye jayenge, wo aapko 1 ghante ke andar in handwriting jo hai transcribe karne hai. It's no doubt challenging, the person should have a very good flow of writing and he should be thorough in his stenography also so that he or she can write quickly. तो ये बहुत important है, challenging है but not impossible, practice होनी चाहिए। उसके बाद paper 2 है general English का, duration उसकी 1.5 hour है। उसके बाद paper 3 है typing in computer, 80 marks, duration 10 minutes, candidates are required to type from a manuscript in English accurately with the help of computer with the speed not less than 30 words per minute. ये तीन टेस्ट होंगे, पेपर तीन पेपर हैं और क्या देर इज द डेट विल बी नोटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी। उसके बाद देर वुड बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एरर्स कमिटेड इन पेपर 1 and paper 3 examinations as may be fixed by the district recruitment committee. Assessment of marks in paper 2 shall be made only for those candidates who secure qualifying marks in paper 1 exam. Jo paper 1 exam mein qualifying marks lenge dictation wale mein unka hi paper 2 check kiya jayega. Be careful. Candidates who secure qualifying marks in paper 2 shall only be eligible for invited to appear in paper 3. Typing test mein unko bulaya jayega जो 1 and 2 से कर लेंगे क्लियर। उसके बाद पेपर 1 and 2, 3 के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट है कैरिंग 30 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 मार्क्स फॉर वाइवा वोसे एंड 20 मार्क्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन।
तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने दे रखा है और डिटेल में इस नो डाउट चैलेंजिंग पीपल हु आर थॉरो इन आई वुड से शॉर्ट एंड टाइपिंग इंग्लिश बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इट्स ए सीनियर पोजिशन डोंट थिंक दैट इट इज डेजिग्नेटेड एज स्टेनोग्राफर ग्रुप बी में है और लेवल भी मैंने आपको बताया था पहले तो फाइनल पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1, 2, 3 एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश दीज आर फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर एंड द मीडियम विल बी इंग्लिश ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ LDC देर आर गोइंग टू बी 2 पेपर्स फर्स्ट पेपर इज प्रिलिमिनरी ड्यूरेशन 1.5 hours सेकेंड पेपर इज मेन पेपर विच इज ऑल्सो 1.5 hours डेट्स विल बी नोटिफाइड लेटर कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 2 एग्जाम ओनली इफ दे सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एग्जाम टू बी फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी पेपर 1 शैल कैरी 100 मार्क्स हैविंग 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश बंगाली जनरल नॉलेज एंड बेसिक मैथमेटिक्स देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क अगेंस्ट ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट Paper 2 shall consist of conventional type questions designed to test the writing skill, grammatical accuracy and comprehensive knowledge in English and Bengali. And then there will be personality test also. And the medium of instruction in the examination shall primarily be English. These are important notes regarding mode of examination. Nothing very important, but they have just elaborated certain things and you can just go through. This mode of application, applications are to be made through online mode only in the prescribed format provided in the website. They have given the website address. Now, another important thing is one candidate can apply for one post only. Just be careful. Then they say candidates are advised to strictly follow the instructions given in the above website and in this notification for making online application and payment of application fees. Failure to do so shall result in cancellation of the application and forfeiture of the application fees. Other than online mode, no other mode of application will be entertained. Online submission of applications and payment of application fee shall be accepted from 6 a.m. on 26th April till 12th May 2022. Then they have given the documents to be uploaded for online application. Please go through. This page has application fees for different posts, different categories. Please go through for the respective wherever you want to apply. These are general instructions and the only important I can see is one candidate can apply for one post only. There are many general instructions in detail and this is the last page of the notification. So far as I think the stenographer post has a good opportunity, but people should have practice of writing or transcribing in English with their own handwriting and typing from the legible manuscript also. This is what I can see, and those who are interested and eligible must apply as early as possible. I'm giving a link of the advertisement in the description of this video. That's all. Thank you.